हेलो दोस्तों, वन सेकेंड, आप लोग को वेलकम टू माय चैनल। वन सेकेंड, तो आज मैं आप लोगों को फेसबुक में अपना नाम कैसे चेंज किया जा सकता है इसके बारे में आप लोगों को ट्यूटोरियल सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले तो आप अपना फेसबुक खोल लीजिए, अपना कोई भी ब्राउजर से या फिर मोबाइल से भी सेम प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ पे पहले से देख के रखा है। चलिए दोस्तों, ये मेरा गूगल क्रोम से खुला है, तो ये मेरा रहा फेसबुक। ओके दोस्तों, तो अभी यहाँ से क्या करना होता है हम लोग को, कभी कभी हालात ऐसा बन जाता है कि हम लोग को फेसबुक में भी अपना नाम चेंज करना की स्थिति आ जाती है कभी कभी, राइट दोस्तों। ये आप लोगों को पता ये होता होगा, कैसे कैसे सिचुएशन आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसी के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लोग कभी कभी अपना नाम चेंज करने चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ। पहले आप यहाँ से आइए ये मार्क पे, फिर यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का डिस्प्ले दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये मेरा फेसबुक का पेज है, आप लोग चाहे तो इसको विजिट कर सकते हैं। तो दूसरा चीज है, यहाँ से आप लोग सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में आने के बाद आप लोग यहाँ से आप लोग अपना मन चाहे जो भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है नेम, ओके, जैसे कि मैं नेम अभी यहाँ पे चेंज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी मेरा नाम यहाँ पे सिद्धार्थ लिखा हुआ है, तो अभी मैं क्या लिख देता हूँ, देखिए राजा लिख देता हूँ, राजा। ओके, राजा राय। चलिए आप लोग चाहे तो मिडिल नेम भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा देता हूँ दागा, ओके राजा दागा राय। ओके चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ से कैसे चेंज रिव्यू चेंज। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, आप कैसे रखना चाहेंगे, राजा राय रखना चाहेंगे या राय दागा, आप कोई भी लगा सकते हैं। और कंफर्मेशन के लिए आपका पासवर्ड चाहिए, तो चलिए मेरा पासवर्ड लगा देते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अभी इसके लिए ये हो गया मेरा चेंज। अभी पहले सिद्धार्थ रहता, अभी देखिए यहाँ पे सिद्धार्थ दिखा रहा है। चलिए इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, अभी प्रोफाइल पे जाके देखिए, अभी चेंज हो गया। देखा दोस्तों, राजा दागा राय, जैसे कि हम लोग मैंने किया है ऐसा ही यहाँ पे चेंज हुआ है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग ने इसको अच्छे से सीख लिया है। फिर एक बार मैं वही नाम, क्योंकि मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरा अपना ही नाम रखना जा रहा हूँ, फिर देख लेते हैं। ओहो, यू कैन नॉट चेंज, ओ आई डोंट नो दिस थिंग्स। ओके दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यू कैन चेंज योर नेम ऑन फेसबुक एट ए टाइम बिकॉज यू चेंज इट इन एट लीस्ट 60 डेज, ओ ऑलमोस्ट 2 मंथ लगेगा। अरे यार दोस्तों, मेरा तो बिगड़ गया अभी। चलिए दोस्तों, कोई भी रहने दीजिए, अभी ऐसे ही रहेगा मेरा नाम भी यहाँ पे। चलिए दोस्तों, ये कंडीशन भी आप लोगों को पता रह गया होगा, आप लोग 2 महीने तक अपना अपना नाम चेंज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत पहले चेंज किया हुआ था अपना नाम। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए, ओ अच्छा अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन है और दोस्तों, यहाँ देखिए हम लोग शायद यहाँ से कर सकते हैं यूज प्रीवियस नेम। ओके दोस्तों, चलिए करके देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग दोस्तों चाहे तो आप लोग पहले का नाम रख सकते हैं, न्यू नेम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे दिखाए, जैसे कि इसका कंडीशन है। ओके दोस्तों, चलिए आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अभी ये यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, यू कैन चेंज बैक टू योर प्रीवियस नेम, ओके within 48 hours में आप लोग को ये काम करना पड़ता है, अथवा 2 दिन के भीतर में आपका प्रीवियस नाम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, नहीं तो 2 दिन चेंज यू स्टिल वॉन्ट बी एबल टू चेंज योर नेम फॉर 60 डेज आफ्टर दिस। ओके, इसको अभी मैंने ये जब अपलोड करूँगा ये नेम, तो फिर उसके बाद फिर मैं दूसरा नाम चेंज नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। तो आपको यदि पुराना नाम फिर से लगाना है तो 48 आवर्स में आप लोगों को लगाना होता है, ये मुझे पहले पता नहीं था दोस्तों। तो चलिए आपको हो गया, मैं क्योंकि मैं पुराना ही नाम रखना चाहता हूँ, तो मेरा अभी पुराना ही नाम रहेगा दोस्तों। चलिए देखिए, अभी कंफर्मेशन के लिए पासवर्ड मांग रहा है तो लगा देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये मेरा हो गया, अभी आ गया मैं पुराना नाम में। ओके दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पे राजा दिखा हुआ है, मैंने चेंज कर दिया। रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को।
चलिए हो गया, पहले का जैसा था नाम वैसा हो गया दोस्तों। तो इसी तरीके से आप लोग कॉन्टैक्ट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेंज करते हैं। जैसे कि मेरा दूसरा भी ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन देगा, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ईमेल में आप कैसे ईमेल को भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा ऐड एट अनदर मेल एड्रेस फॉर मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर। चलिए दोस्तों यहाँ पे दूसरी लगाने की बात हो रहा है दोस्तों, दूसरा आप लगाने चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से जाके कांटेक्ट, अकाउंट कांटेक्ट, ऐसा सब कुछ आप लोग चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप लोग को आप लोग जान गए होंगे इसके बारे में, तुम कैसे चेंज कर सकते हैं और टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है इसके लिए आप लोग ने अभी देखा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।